कि हेल्थ बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम मान लीजिए आपने जिम की एग्जांपल दी, तो हम जिम जाते हैं बिकॉज हमें अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ चाहिए, देन हम हैवी हैवी वेट उठाते हैं, देन हमें पता चलता है कि ओके अब मेरा जो मसल है वो 100 kg उठाने के काबिल हो गया है। सो सेम थिंग इज विद माइंड, आपको डेली उसको फ्लश आउट करने जाना है बिकॉज आप जो कचरा भर रहे हो अपने अंदर, आप कहीं तो फ्लश आउट करोगे, किसी को तो बताओगे कि ऐसा कुछ हो रहा हाँ था। जी, और अगर आपने फ्लश आउट नहीं किया, वो इन्फॉर्मेशन भरती चली जा रही है और आप इमेजिन कर रहे हो उन सब चीजों को, भले ही वो डार्क साइड डार्क एक्शंस क्यों ना हो, आप उनको जिसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन, पता नहीं मैनिफेस्टेशन वर्ड को क्यों इतना ज्यादा लोग जादू मंत्र की तरह ले जाते हैं, बट बहुत ही सिंपल लॉजिक है, जो आपने इमेजिन किया है माइंड में आप एक एक्शंस में जरूर आएगा, डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ योर डिजायर कि आप कितनी जल्द ज्यादा डिजायर कर रहे हो उस चीज को और कितनी ज्यादा कमी है उस समय आपकी लाइफ में। तो आपने फिर आपकी रिकवरी जर्नी किस तरीके से रही, लाइक आपने आपने किस तरीके से रिकवर किया, मतलब लाइक वो स्टेजेस क्या थे, जैसे आपने बोला ना कि कंटिन्यूटी में काम करना पड़ता है बिकॉज समटाइम अब हम एज ए पेशेंट सोच रहे हैं, अब एज ए पेशेंट है हम, बिकॉज मैं पतला हूँ, मुझे बॉडी चाहिए, मैं पेशेंट हूँ, बट मेरा क्या है, मैं जाते ही शीशे में पहले बॉडी देखूंगा अपनी, कहाँ मसल बनाए कि नहीं बनाए, मतलब पहले दिन ही मुझे पता है कि मैं फोटो खींचने वाला हूँ जिम में जाके। सो सेम थिंग इज विद द पेशेंट विद द माइंड, बिकॉज वो सोच रहा है कि वो सही है, बस कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है डॉक्टर से बात कर ली, हो गया सब कुछ सही हो गया, उसने दवाई दे दी, देख के मैंने खा ली है और सब सही हो गया। सो व्हाट आर द अदर स्टेजेस, मतलब थोड़ा और आप अगर डीप में बताएंगे तो आई थिंक लोगों को नॉलेज मिलेगी कि क्या स्टेजेस भी होती हैं, आपको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सर वैसे ना देयर इज अ पर्टिकुलर प्लान दैट इज फॉलोड. अब आई रेड अ कोट रिसेंटली, कहीं पढ़ा था मैंने कि कई बार ना लोग अपने पार्टनर्स या अपने फ्रेंड्स को ना थेरेपिस्ट समझते हैं कि हाँ इसके आगे मैं बात कर लेती हूँ तो मेरी तो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. एक किसी के आगे वेंट आउट करना और किसी प्रोफेशनल की पर्टिकुलर प्लान को फॉलो करना, जो ऑब्वियसली जो क्लाइंट होता है उसको बिल्कुल पता नहीं होता कि साइकोलॉजिस्ट क्या प्लान फॉलो करने वाला है आपका, टू ब्रिंग यू बैक फ्रॉम ट्रॉमा, टू मेक यू यू नो अ बेटर ह्यूमन बीइंग, अ ब्राइटर साइड से आप निकलो उससे, तो इसमें ना बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है. सो माई कंसिस्टेंट थेरेपी वेंट फॉर अराउंड 1 month, जिसमें एवरी वीक में 1 session लगाती थी. 1-2 months ऐसा चला, फिर विद टाइम सेशंस की बीच में जो गैप था वो बढ़ता गया, बिकॉज एज पर हर वर्ड्स आई वाज इम्प्रूविंग. तो कंसिस्टेंसी इज द की. इट इज ऐसा नहीं है कि आपको अभी आपको बोले कि इस चीज से आपको आज फर्क पड़ता है, कल आपको फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से. ऐसा भी हो सकता है कि 10 साल बाद भी आपको उस चीज से फर्क पड़ सकता है, बट उस इंटेंसिटी पे नहीं. सो अगर आपको पता है कि आपको ये चीज फील करना या जैसा भी आप उस टाइम पे फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अगर वो आपको चीज पसंद नहीं है कि यू नो दिस इज रॉन्ग, आई डोंट वांट टू फील दिस सैड, या ऐसा नहीं मुझे मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो आपको यू हैव टू सीक हेल्प फ्रॉम एनीबडी. देखो पता है क्या है, अल्टीमेटली वट एवर वर्क फॉर यू. कई लोगों के लिए जिम वर्क करेगा, कई लोगों के लिए सिर्फ कार्डियो वर्क करता है, किसी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिल्कुल पसंद नहीं आएगी. सो अल्टीमेटली इट इज अबाउट वट वर्क फॉर यू, बट एवरी थिंग शुड बी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंटली यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन इट. समटाइम्स आपको रियलाइज भी नहीं होता कि आप उस पर हार्ड वर्क कर रहे हो, बट योर ब्रेन, दिस ब्यूटिफुल ऑर्गन, इज जस्ट वर्किंग टू कीप यू अलाइव, जस्ट वर्किंग टू कीप यू अलाइव. एंड इतना ब्यूटिफुल है ना ये ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा आपको इम्प्रूव कराने के लिए. जैसे अगर आपके साथ कोई बहुत ही ट्रोमैटिक मेमोरी हुई है, बहुत जैसे अगर चाइल्डहुड में हुई है, तो विद टाइम आपको वो सिनेरियो भूल जाएगा कि क्या हुआ था, एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था. मुझसे पूछो तो मुझे भी नहीं याद होगा कि 2017 2018 में ऐसा हुआ क्या था, ट्रिगर पॉइंट्स क्या थे, बट मुझे ये याद है कि मैं उस टाइम पे फील कैसा कर रही थी. इमोशंस इंसान नहीं भूलता कि उस टाइम पे आपको फील कैसा हुआ था, लेकिन इवेंट्स जरूर भूल जाता है. ये दैट इज योर ब्रेन. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग इट विद टाइम, इतना टाइम ले लेके, यू कैन ऑलवेज इनहेंस द प्रोसेस by taking help. So it is consistency. You need to accept, acknowledge, and then change. I follow this 3 A's policy. That is, first of all, accept where the problem is. Acknowledge it. Acknowledge it and then alter what you don't like. This is very important because denial में रह रहे कि you are just hurting your own self, कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं. But ultimately, whatever works for you, works for you. जो मेरे को चीज काम कर गई शायद आपके लिए ना करे, शायद आपके लिए और ज्यादा अच्छे से कर जाए. यू नेवर नो, यू गॉट टू गिव इट अ ट्राई.